ऐसे बहुत सारे मतलब जो कहते हैं 15% 10% डिस्काउंट है, आप डिस्काउंट छोड़िए एमआरपी से भी ऊपर रेट था उनका। क्या बात, मतलब आर्म रेस्ट के 4000 पे और अगर जेन्युइन वो स्टीयरिंग कंट्रोल लगाना है तो उसके भी 4,4500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, हमने कितने का लगा के दिया आपको? ये 1,3400 प्राइस जो बोला था वीडियो में वैसा ही है, मतलब उससे ज्यादा नहीं था। अपना लग गया सॉकेट? लग चुका है भैया इसमें सॉकेट। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, इसमें अपनी वायरिंग भी कर दी हमने प्रॉपर पूरी। हाँ जी, प्रॉपर वायरिंग हुई है इसमें, जो बेस मॉडल में आती नहीं है वायरिंग, इसमें वायरिंग भाई अपना पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। प्रॉपर वर्क करेगा भैया। क्या बात है। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आप देख रहे हो प्रवीण सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हम आए हैं ऑटो मेज कार एम्पोरियम जो कि अपना करोल बाग में है। हमारे साथ भाई, भाई अपन नाम बताइए अपना। हैप्पी। हैप्पी भी हमारे साथ है। आज हमारी गाड़ी रहने वाली है न्यू 2022 ब्रीजा, जो कि हमारे पास दो दो आई है, एक ही दिन में दो गाड़ियाँ, तीन, चलो तीन, मैंने तो दो ही देखी थी, तीन गाड़ी अपने पास आई है आज। आज हैप्पी भी है इस गाड़ी में। तीनों गाड़ियों में क्या क्या लग रहा है? तीनों में हमारे दो में लगे थे हमारे आर्मरेस्ट। ठीक है, विद सॉकेट? विद सॉकेट नहीं। अच्छा, एक में सॉकेट लगा था? एक में सॉकेट लगा। ठीक है, और दोनों में? दो में आर्मरेस्ट लगे थे हमारे। ठीक है, और छोटा मोटा कस्टमर ने काम कराया था, जैसे डोर वाइजर वगैरह हो गया। ठीक है, ठीक है, और मैटिंग वगैरह हो गई, ये सब काम हुआ था। ठीक है, एक में हमारे लगे थे स्टीयरिंग कंट्रोल। ओके, स्टीयरिंग कंट्रोल लगे थे, और एक में हमारा जो है आपका आर्मरेस्ट लगा था। अगर मैं स्टीयरिंग कंट्रोल की प्राइस पूछना चाहूँ तो कितनी पड़ेगी अपने को? सर, स्टीयरिंग कंट्रोल की प्राइस हम दे रहे हैं आपको 4000 के आसपास। 4000 अप्रोक्स? अप्रोक्स भाई, मैं इससे कम ही दे दूंगा, आप 38 में करवा लेना। चलो भाई, 3800 रुपये का भाई ने बोल दिया। ठीक है, आज मैंने कस्टमर को एक्चुअली 3800 रुपये का रेट दिया था, तो उसने रेट में देना पड़ा, जिसमें मेरी कोई बात भी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जो मैंने बोल दिया था उनको कमिटमेंट थी, तो वो मैंने पूरी किया। कोई बात ये नहीं है भाई, भाई ने 3500 बोले तो 3500, ये नहीं भाई 3500 बोल के 4000 कर रहे हैं। फ्लक्चुएट करता है किसी चीज़ का, कोई बात नहीं। ये हमने पीस भी गाड़ी के अंदर लगा है, हमारा जो लास्ट ब्रीजर लगी है। ठीक है, लास्ट ब्रीजर जो लगी हमारे, उसमें आपके जो है ये टॉप मॉडल वाले पैनल लगे। ठीक है, ठीक है ना, ये अपना सिल्वर में रहने वाले कौन से भाई? देखो वही पन्नी पैक है, अपना ब्लू ब्लू भी लगा हुआ है, मारुति सुजुकी का जेन्युइन है, ओईएम वाला। ठीक है, इसमें अपना आगे का वो तो लगा ही था, उसमें अपना कौन सा था? उसमें हमारा वुडन वाला लगा हुआ आया था कस्टमर का, कंपनी से। हमने चार ये लगाए हैं और चार हमने वो लगाए हैं। चार हमारे जो है अंदर के इनर हैंडल चेंज हुए हैं। ठीक है, और उसमें जो है एक यूएसबी पोर्ट लगा था। यूएसबी पोर्ट लगा भाई, देखो अपनी ये ब्रांडिंग है मारुति सुजुकी की जेन्युइन भाई, कोई बंदे कहते हैं हम भाई दिखाते नहीं अपना ब्लू ब्लू। एक अपना फास्ट है, दोनों फास्ट हैं? दोनों फास्ट होते हैं इसमें, 5 वोल्ट का। ये कितने का मिलेगा अगर कोई किसी ने लगवाना चाहे तो? अपना जिसमें आर्मरेस्ट लगा हुआ अगर ये लेना है सॉकेट तो कितना प्राइस पड़ेगा? ये पड़ेगा 1800 रुपये। 1800 रुपये अटके हो अभी भी? 1800 रुपये अटकूँगी, क्योंकि 1800 इतना ही हमें आ रहा है। चलो ठीक है, 1800 का भाई ने बोला। एक बार मैं भैया को कहूँगा, हैप्पी भैया को, चलें एक बार गाड़ी की तरफ। हाँ जी भाई, हमारे इसमें लग गया सॉकेट, जो अपना बेस मॉडल गाड़ी आई है इसमें भाई, देखो जो हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था वो अपना सॉकेट दोबारा इसमें लग गया है, फास्ट चार्जिंग वाला। आगे इसमें अपनी वायरिंग हो रही है कपलर टू कपलर, अपना बेस मॉडल है, भैया ने इंटीरियर आगे से चेंज किया करा हुआ है पूरा अपना वुडन में। इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल लग रहे हैं, पूरा अपना स्टीयरिंग पूरा चेंज है इसके अंदर। उस्ताद जी पूरा वर्किंग में होगा ना ये वाला? पूरा वर्किंग होगा। ठीक है, एक बार कनेक्शन करने देते हैं फिर आपको दिखाते हैं इसका वर्किंग। हैप्पी भैया, अपना इसमें फास्ट चार्जर वाला अपना लग गया सॉकेट? लग चुका है भैया इसमें सॉकेट। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, इसमें अपनी वायरिंग भी कर दी हमने प्रॉपर पूरी। हाँ जी, प्रॉपर वायरिंग हुई है इसमें, जो बेस मॉडल में आती नहीं है वायरिंग, हमने इसमें वायरिंग कर दी है। क्या बात है, ये अपना तो बेस मॉडल गाड़ी रहने वाली है, इसमें तो अपनी वायरिंग तो आगे से देनी पड़ती है। हाँ जी, अपनी से वायरिंग देनी, तार तो अपनी कोई अवॉइड नहीं है, तार हमने स्टीरियो से लिया इसके बाद। ठीक है, एक बार भैया मैं कहूँगा आपको चेक करा दो एक बार वर्किंग, अपना टाइप सी का अपना चार्जर लगा रहे हैं, एक बार फोन में आ गया भाई, ये बहुत उतारो 76 में, नहीं वहाँ से उतारो ना, वहाँ से उतारो अपनी ये रही तार। ठीक है, ठीक है, ये भाई इधर दिखा दो कितना, चलो ये बार लगाओ, लॉक कर लो, आ गया, ये बार लॉक करो फ़ोन, ये बार निकाल के दोबारा डालो, उतारो आराम से, हाँ अब करो 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 भाई, अपना पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। प्रॉपर वर्क करेगा भैया। क्या बात है।
ये भाई आ गया वीडियो में डिस्टर्ब करने, एक तो भाई ये वीडियो बनानी देखा। हैप्पी भी अपने पास दो दो गाड़ियां आई हुई हैं, उसके अंदर अपना गाड़ी में क्या क्या लग रहा है और इस गाड़ी में क्या क्या लग रहा है भैया? उसमें हमारी जो है कस्टमर ने पहले से वुडन पैनल जो है कंपनी से लगा रखा है, ठीक है, तो हम उसमें गेट में जो आते हैं आपके टॉप मॉडल वाले सिल्वर पैनल जो आते हैं इंस्टॉल कर, वो अपने इंस्टॉल हो रहे हैं इसमें भाई, देख सकते हो अपना डोर ओपन हो रहा है, क्रोम हैंडल हम इंस्टॉल कर रहे हैं जो, ठीक है, जो क्रोम वाला आता है हैंडल, हाँ जी ठीक है। इसमें हमने एक बार बैठो आप, इसमें क्या इंस्टॉल किया आपने? इसमें आपका ये जो होता है स्टीयरिंग रिमोट जो है, एक बार थोड़ा ऊंचा बोल दो, इसमें हमारा जो है स्टीयरिंग रिमोट इंस्टॉल किया हमने, ठीक है। कस्टमर ने पहले से बाकी चीज़ें कस्टमर की सबसे पहले लगी हुई थी ये सारी चीज़ें। देखो भाई इनकी एक अच्छी बात है, जो पहले से लगा हुआ है गाड़ी में वो हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, कई बंदे करते हैं भाई, जो भी नहीं लगा होता वो भी हम बोल देते हैं हमने लगाया है ना, सही बात है ना, हमने सिर्फ इसमें आपका ये जो है स्टीयरिंग कंट्रोल लगाया है, आर्मरेस्ट इनका लगा हुआ था, पीछे टाइप सी चार्जर इनका जो है। अच्छा, इसमें भी हमने वही लगाया टाइप सी चार्जर। वर्किंग में अपना कैसे है? हमने पूरा आर्मरेस्ट इंस्टॉल किया। अच्छा, पूरा आर्मरेस्ट इंस्टॉल किया, उन्होंने यूएसबी पोर्ट नहीं लगवाया, ठीक है, ठीक है ना, ये दूसरा वाला यूएसबी पोर्ट, भैया यूएसबी पोर्ट का नहीं लगवाया आपने, ये मतलब पीछे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते इसलिए तो नहीं लगवाया, लेकिन आगे वाला ज़्यादा था और दूसरा जेन्युइन 1800 रुपये का पड़ रहा था। अच्छा अच्छा था, लेकिन फिर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए नहीं लगवाया। आप लगवाते 1800 ऊपर नीचे हम कर देते, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन हाँ, एक और चीज़ थी कि यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ देख के मैं आया और इतने सारे लोगों को कॉन्टेक्ट किया, जो रेट वीडियोज़ में था किसी ने भी नहीं दिया। क्या बात, फाइनली मैं गुड़गांव जा रहा था और लेकिन हमने कहा लास्ट ट्राई करते हैं, तो हम यहाँ पर आए और इन्होंने जो रेट वीडियो में बोला था सेम रेट पे हमें चीज़ प्रोवाइड करवाई। ये तो नहीं है मतलब वीडियो में कुछ और रेट बोला, यहाँ के कुछ और हो गया। मेरे पास सबकी जेन्युइन वीडियोस है, रिकॉर्डिंग की हुई है मैंने हर एक दुकान की। ऐसे बहुत सारे मतलब जो कहते हैं 15% 10% डिस्काउंट है, आप डिस्काउंट छोड़िए MRP से भी ऊपर रेट था उनका। क्या बात, मतलब आर्म रेस्ट के 4000 पे और अगर जेन्युइन वो स्टीयरिंग कंट्रोल लगाना है तो उसके भी 4,045 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, हमने कितने का लगा के दिया आपको? ये 1,3400 का है और 3,500 रुपए का है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब कि अच्छी सर्विस रही, ठीक है, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक रहा। ये लास्ट वाला रेस्पॉन्स दोबारा लूंगा आपसे, अभी तक तो आपको बढ़िया लग रहा है काम, ये अपनी गाड़ी में कम्प्लीट हो चुका है काम, कम्प्लीट हो चुका है अभी ये गाड़ी में अपना काम कंप्लीट हो चुका है भैया। ठीक है, भैया ने रिव्यू भी दे ही दिया साथ साथ अपना, ये भैया से लास्ट में लेना था, कोई बात नहीं, भैया ने अभी दे दिया रिस्पॉन्स पूरा अपना। तो मैं मतलब कोई पेड वेड वाला मेरा सिस्टम नहीं है, मैं IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो पैसा वैसा ठीक है भगवान दया से। क्या बात, लेकिन जो बंदा जेन्युइन है तो जेन्युइन। और एक और दिल्ली से मेरा ट्रस्ट इशू रहा है, तो इसलिए मैंने म्यूजिक सिस्टम्स अपने होम टाउन कैथल में लगवाए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर काम करवाया जा सकता है। प्राइस में कोई वो तो नहीं है ना? नहीं, प्राइस जो बोला था वीडियो में वैसा ही है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं था। और कस्टमर को आप प्रेफर करोगे? हाँ, मैं मतलब इन्हीं की दुकान ऑटो अमेज जो है उनको मैं प्रेफर करूँगा, बाकियों पे आप कर लीजिए। मैं 12 बजे चला था गुड़गांव से, 1 बजे यहाँ पहुँचा, उसके बाद 2 घंटे एक है जिनकी बहुत अच्छी वीडियो डाली थी स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए, उनको मैंने कॉल किया, 1 घंटे में पार्किंग में खड़ा रहा। अच्छा, 1 घंटे बाद उनका फ़ोन आता है, सर आप कहाँ हो? ठीक है, मतलब कि एक एक दो दो घंटा 5 मिनट बोल के उन्होंने पार्किंग के 80 रुपये 40 रुपये ऐसे वेस्ट, और उससे बड़ा 1 घंटे का आप अमाउंट देखो। क्या बात, अपने यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अभी तक मतलब टचवुड अच्छी सर्विस थी। क्या बात, और बाकी ये चलाने के बाद काम का पता चलेगा। हाँ जी भैया, हैप्पी भैया एक बार आपके पास आ जाते हैं, कैसा लग रहा है आपको स्टीयरिंग लगा हुआ? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया काम करेगा। एक्चुअली ये मैंने जो मेरे पास लास्ट पीस एडजस्ट करके मैंने भैया को दिया, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी पीस जो थे सारे खत्म हो चुके थे। कोई बात नहीं, ऑर्डर पे आ जाएगा, ऑर्डर पे आ जाएगा, ये हमारा अब स्टीयरिंग भी आएगा अगली वीडियो में भाई, पूरा कंप्लीट स्टीयरिंग आएगा बिल्कुल कम बजट में। ये नहीं होगा भाई रिफर्निश होगा, बिल्कुल न्यू डब्बा पैक होगा। हाँ जी, और रेट भी ऐसा देंगे बिल्कुल जैसे अपना सॉकेट का दिया रेट, ठीक है। एक बार चले भैया उस वाली गाड़ी में, अभी है इसमें हमने अभी टॉप मॉडल वाला लगा दिया इसके अंदर, ये सिल्वर वाला, सिल्वर वाला ठीक है। अपना जो अभी लग रहा है वो एक बार पैनल दिखाना, उधर जो भैया कस रहे हैं उसको टाइट कर रहे हैं भैया, एक बार दिखाना। अच्छा, ये हमने फिट कर दिया है? हाँ जी, ये फिट हो गया है, ये इससे पुराना निकला है। अच्छा, ये ब्लैक निकला था अपना, इसमें तो अपना बेसिक सा होता है बिल्कुल, इसमें अपना ब्लैक, किसमें बाकी दो गेट अभी अच्छा, ये अपना ब्लैक है इसमें, ये उन्होंने जो है कंपनी से करवाया, ठीक है,
ये अपना कंपनी से वुडन में करा के, ये वुडन में हमारे पास मिल जाएगा वुडन वाला। हाँ जी, ये वुडन में मिल जाएगा, ये कंपनी से कराया, लेकिन कंपनी ने सिर्फ इतना ही पार्ट दिया था। अच्छा, ये पार्ट भी जो है ये अभी हम देंगे। हाँ, ये लगा दिए फिर तो ये चेंज हो गया। अच्छा, ये अच्छा चेंज हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट था ब्लैक ही था। हाँ जी, ये तो चेंज करना चाहिए था कंपनी वालों ने। पैसे तो पूरे ले रहे हैं, पैसे पूरे ले रहे हैं कंपनी के। कोई नहीं, अपने हैप्पी भैया के पास आओ, पूरा अपना पार्ट चेंज करा के जाओ। मैं ऐसा भी नहीं है कि हम आपको बोलेंगे कि पूरा कंप्लीट सेट देंगे आपको। अच्छा, अगर आपको चारों दरवाजे का खाली। अच्छा, मतलब जोन सा पर्जी पार्ट तो दे दो भैया, हैप्पी भैया ला कर देंगे कहीं से भी। हाँ, है एलोए भी भाई हमारे पास आने वाले हैं जल्द ही। कितने में पैसे मनी बताओ? पैसे अभी जब आएंगे तो भाई मार्केट से कम देंगे बिल्कुल। ठीक है, वादा ही हमारा, जो बेस्ट रेट होगा वो मैं दूंगा। जैसे हमने पीछे का सॉकेट लेकर आया वैसे हम कम प्राइस में भाई ये लेके आएंगे, अपना जेन्युइन रहने वाला पूरा। गाइस, अपना इनर हैंडल इसमें लग चुका है अपना क्रोम वाला। इसमें भैया बेसिक आता है ना अपना, तो ये भाई अभी लगेंगे एक बार। मैं लगा भी दिखा रहा था उनको, कभी कह रहे हो ये तो लगा ही आता है ना भाई, कहने वाले कहते हैं भाई। ये देखो अपना ये ब्लैक है और ये पहले से ही हुई है। ठीक है भाई, ये अच्छा लग रहा है वुडन में, ये बहुत प्यारा लग रहा है। अपने पास किस रेंज में मिल जाएगा अगर वुडन लेना लेना तो? भैया अराउंड मिलेगा 4,500-5,000 में पूरा कंप्लीट सेट। 1,000 का ही फर्क है फिर तो। हाँ जी, 1,000 का ही फर्क है अगर नॉर्मल वाला भी लेंगे तो। 1,200 का वो, 1,200-1,500 रुपये का, ज़्यादा फर्क नहीं है। ज़्यादा फर्क तो यही लो फिर भाई, मैं तो सजेस्ट करता हूँ अपना वुडन ही लो। गाड़ी अपना अंदर से इंटीरियर खूबसूरत बनाओ। ये अपना पैनल पूरा खुल के लगता है। हाँ जी, और ये वाला पीस अपना ये निकल पीस लगा है। होता ऐसा लगा होता ठीक है। ये पीस अपने पीछे से हमने सारे पेज खोल लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ ऊपर तरीके से ठीक है, और ये पीस अपना सीधा सीधा निकल जाएगा। अच्छा, इजी है अपना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यही पीस लग जाएगा पीछे, ये क्योंकि ओरिजिनल है तो पेज सारे मैच करते हैं, सारे सेम पेज लगेंगे। ठीक है, सारे पेज लगेंगे, फिटिंग प्रॉपर आएगी इसकी। ठीक है, ये अपना पीछे से टाइट हो जाएगा प्रॉपर। हाँ जी, प्रॉपर जैसे कंपनी से आता है वैसे हो जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा इसके ऊपर ही लगता है, मतलब ब्लैक ब्लैक के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर नहीं है, पूरा पीस चेंज है। अच्छा, पूरा पैनल इसमें खोलना ही पड़ता है। और अपने इनर हैंडल तो लग रहे हैं, आपको दिखाया था जो ओरिजिनल होता है, जो लोकल होता है, कई बंदे ऊपर से टेप टाप लगा देते हैं वैसे कर देते हैं, जो ओरिजिनल होता है वो पीस पूरा चेंज होता है। ठीक है, ये अच्छी बात बोली भाई ने, प्लस पॉइंट हो गया एक। हमारा इसमें सारा काम कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है ना, ये आपका हो गया क्रोम हैंडल। ठीक है, इसमें ज़्यादा काम नहीं था अपना, आर्म रेस्ट और ये अपना यही था, सिर्फ यही था, ये था और एक यूएसबी था जो हमने पीछे इसमें इंस्टॉल किया। ठीक है, एक बार हैप्पी भैया को कहूँगा एक बार कनेक्ट करके दिखा दो दोबारा। टाइप सी लगा हुआ है। ठीक है, एक आपको यूएसबी। ठीक है, ये अपना 5 वाट का फास्ट में काम करता है। ठीक है, फास्ट चार्जर रहने वाला अपना भाई, अपना प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, एक बार मैं कस्टमर का रिव्यू लेना चाहूँगा। बिल्कुल, कस्टमर हमारे साथ ही खड़े हैं। हेलो भैया। भैया आपका नाम? मनीष। कहाँ से आए? दिलसाद गार्डन। भैया आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा यहाँ का? बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि जिन्हें भी अपना काम करवाना हो तो यहाँ भैया के पास आ सकते हैं ऑटोमेज कार्स टेम्पोरियम में। ठीक है, और यहाँ भैया की सर्विस रिस्पॉन्स बहुत बेटर है, बहुत अच्छा। कोई कंप्लेंट तो नहीं? एक बार तो कंप्लेंट नहीं, सेटिस्फैक्ट्री वर्क हुआ है बिल्कुल। जितने मतलब वीडियो टाइमली मेरा काम हो गया, जितना मेरे बहुत मतलब स्मार्ट स्पैन और टाइम पीरियड में मेरा सारा काम हो गया। नाइस, कोई कंप्लेंट तो नहीं? मजा आया पूरे काम में? बिल्कुल, एमएस प्रेफर करोगे कस्टमर? बिल्कुल, आई वुड सजेस्ट कि जिन्हें भी अपना काम करवाना हो अपनी नई गाड़ी में, पुरानी गाड़ी में, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। जो पिछली वाली वीडियो में रेट बताया था वही आपको? वही सेम रेट मिला। ठीक है, हैप्पी भैया एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए। आपका पड़ेगा ये अजमल खान रोड पड़ता है। ठीक है, ठीक है, नियर करोल बाग मेट्रो स्टेशन। ठीक है, नंबर 4445। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9716630520। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके, टिल देन बाय, चंगा जी।